हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुर अग्रवाल tradersonline.com की तरफ से आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये सीरीज काफ़ी पसंद आई होगी। आज ही के दिन पिछले महीने श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब की 500 और 1000 की करेंसी को अवैध घोषित किया था। काफ़ी लोग और इसी दिन मैं और पीयूष ये कन्फ्यूजन में आ गए थे कि आप हम लोगों ने लोगों को क्या एडवाइस दे, क्या ना दे, क्या करे क्या ना करे। हम लोग बीइंग अ प्रोफेशनल हम लोग खुद कंफ्यूजन में आ गए थे। तो आप जैसे नॉर्मल पर्सन्स का तो हम लोग समझ ही सकते हैं कि आप लोगों के ऊपर कैसा ये पीरियड गया होगा। काफ़ी लोगों ने हम लोगों के पास आके इंक्वायरी की कि हम हमारे अकाउंट में कितना पैसा डाल सकते हैं, कितना पैसा नहीं डाल सकते, कि हम हमारे अकाउंट में पैसा डाल भी सकते हैं कि नहीं डाल सकते। तो गवर्नमेंट ने जब ये डिक्लेयर किया था तो कोई एडवाइजरी जारी नहीं करी थी। उसके बाद में दो तीन दिन के बाद में जब मार्केट के अंदर रूमर्स अफवाह चालू हुई थी तो जेटली जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कुछ एडवाइजरीज कुछ चीज़ें थी वो जारी कर दी। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग उन लोगों की बात करेंगे, हम लोग उस पिलर की बात करेंगे जिस पिलर के ऊपर इंडियन इकोनॉमी मैक्सिमम डिपेंडेंट है। आज हम लोग बिजनेस क्लास वालों के बारे में बात करेंगे। बिजनेस क्लास सिर्फ वो ही नहीं होते हैं कि जिनका करोड़ों के अंदर टर्नओवर होता है, बिजनेस क्लास वो भी होते हैं जिनका हजारों और लाखों के अंदर टर्नओवर होता है। जिनका करोड़ों के अंदर टर्नओवर होता है उनके तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर होती है और वो लोगों को कोई चिंता नहीं है। ये वीडियोस की जो सीरीज है उनके लिए है जो छोटे छोटे है व्यापारी, हजारों और लाखों के टर्नओवर्स वाले। अब ये पीरियड के अंदर ये लोगों ने करना क्या चाहिए, ये पीरियड के अंदर लोगों ने ये करना चाहिए कि 8 नवंबर के दिन आप लोगों के हाथ में कैश इन हैंड कितना है आपको सबसे पहले वो देखना चाहिए। और ये देखने के लिए आपको 1 अप्रैल 2016 से लेके 8 नवंबर 2016 तक की आपको आपके पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। वो मेंटेन करने के बाद में आपको ये पता चलेगा कि आपके हाथ में 8 तारीख को एक्चुअल कैश इन हैंड कितना है। वो होने के बाद में आपके हाथ में जब कैश इन हैंड 8 तारीख को जितना भी है वो आप बिंदास जाके आप आपके बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में 9 नवंबर से लेके 30 दिसंबर तक जो मोदी जी ने ये जो 50 दिन का जो पीरियड दिया है तो ये पीरियड के बीच में आपको आपके एक सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखना है। और इसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर आपके कुछ एबनॉर्मल सेल हो गए, यहाँ पर आपको कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, कुछ एबनॉर्मल लॉस भी हो सकते हैं। रीज़न भी कि कुछ जगहों पे ये 500 और 1000 की नोट जो थी ये वैध थी। इसके बाद में 31 दिसंबर से लेके तो 31 मार्च, क्योंकि 31 मार्च को हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तब तक के आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करनी है। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने के बाद में आपको ऐसे 3 पार्ट्स के अंदर आपकी बैलेंस शीट सेपरेट सेपरेट रेडी करना है। अब इसके बाद में हो सकता है कि अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करी तो, और अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो आप इसे टैकल कैसे करें, इसे फेस कैसे करें। आपको फेस ऐसे करना है, आपको आपकी कैश बुक, आपको आपकी स्टॉक बुक, आपको आपकी सेल्स, आपको आपके परचेस बिल्स पूरे मेंटेन रखना है। और ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के वजह से आपको जो भी आपकी इनकम टैक्स के जो प्रॉब्लम आ रही है उससे वो सॉल्व होगी। और इंडियन गवर्नमेंट जो आप कैशलेस इकोनॉमी की तरफ से पहल कर दी है, आप सभी देख रहे होंगे न्यूज़ के अंदर कि आज कैशलेस के लिए ये आ गया, कैशलेस के लिए वो आ गया। गवर्नमेंट ने कैशलेस इकोनॉमी के लिए एक स्टेप और ली है। जैसे आप बिजनेसमैन हो तो बट ऑब्वियस आप लोगों के पास में एम्प्लॉयज हो गए तो बड़े जो कंपनीज है वो लोगों को प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनका पेमेंट पूरा चेक से होता है। अब जो छोटे ट्रेडर्स है उन लोगों को जो उनके एम्प्लॉयज है
उनको बाय वे ऑफ चेक ही आपको पेमेंट करना है। अगर आपके एम्प्लॉय के पास में अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट, तो आपको उन्हें रिक्वेस्ट करना है कि किसी नजदीकी शाखा में जाके, किसी नजदीकी बैंक में जाके उसका अकाउंट ओपन करें। हो सकता है कि आगे चल के आप जो कैश के अंदर जो सैलरी दे रहे हो उस पर्सन को, वो आप क्लेम ना कर सके। हम लोगों के एंड से स्ट्रांगली रिकमेंडेशन आपको ऐसा रहेगा कि आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखिए, अकाउंटिंग स्टार्ट करिए, और जो मार्केट के अंदर जो रूमर्स आ रही है कि कल चल के बिजनेस के लिए ऐसा होगा, बिजनेस के लिए वैसा होगा, ये सब अफवाहों पे ध्यान ना देते हुए आप आपके सीए, लीगल एडवाइज़र या आपके जो भी अकाउंटेंट है, आप उनके साथ में जाके उनके साथ डिस्कस करिए कि ये चीज़ें है भी या नहीं, क्योंकि ये पीरियड के अंदर यही लोग आपके सबसे ज़्यादा नियर डियर फ्रेंड्स और रिश्तेदार हैं। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन करने के बाद में जो भी पहल करी है, आप उसे सपोर्ट करिए, क्योंकि ये आज आपको तकलीफ हो रही है, ये हमें भी पता है, ये मोदी जी को भी पता है, ये गवर्नमेंट को भी पता है, आज आपको तकलीफ हो रही है और आगे कुछ महीनों तक आपको तकलीफें होगी। इस तकलीफ को आप थोड़ा सा टैकल करिए, क्योंकि ये आपके शॉर्ट टर्म पेन है, शॉर्ट टर्म पेन है तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलना है, ये 100% गारंटी है। और इसी के साथ में मेरा ये वीडियो एंड करता हूँ। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हम लोगों की एक वेबसाइट है tradersonline.com, आप उस पर एक बार विजिट करिए और मेरा ये वीडियो के ऊपर आप कमेंट भी करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।